भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन, आज से हफ्ता 10 दिन पहले, उन चाइना की फेवर में एक स्टेटमेंट डाल दी थी, जिसको बहुत बहुत तशवीश के साथ भारत ने उसको देखा, इंडिया ने उसको थ्रेट ऑलमोस्ट ली। भूटान के जो सदर आज, और उन्होंने आके वो जो एक सिचुएशन थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, और उन्होंने कहा है कि नथिंग हैज चेंज्ड इन बिटवीन इंडिया एंड भूटान और चाइना। अग्रेसिव क्यों नहीं होंगे, पैसा है हमारे पास, हम दुनिया से भीख नहीं मांगते, हम पाकिस्तान थोड़ना है कि सबके सामने कालीन बन जाएं, जमीन पे लेट जाएं। भारत भारत है यार, हमने किसी से उधार ले रखा है, हमने किसी की भैंस खोल रखी है। यू नो व्हाट ही इज सेइंग इज नॉट हिज, नॉट हिज वर्ड्स, ये डॉक्टर जयशंकर के वर्ड्स नहीं है। दीज आर दी एस्पिरेशंस ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, दिस इज हाउ वी थिंक। अमेरिका चाइना रिवोल्ट, चाइना अमेरिका कॉन्फ्रंटेशन है, इसका फायदा उठाने की भरपूर भारत कोशिश कर रहा है, और देयर लुक्स लाइक देयर सक्सेसफुल इन इट। मैं समझता हूं कि भूटान कब देखें फौरन आके, चाहे उनका प्री प्लान था लेकिन न्यूट्रलाइज किया उन्होंने फौरन उसको, उसके असर को जाहिल करने की कोशिश की। भूटान के किंग की वहां पे विजिट हो रहा है, और गो के इस रीजन का भूटान है, हमारी तरफ जो है वो उस तरफ से कोई ऐसे विजिट्स हमें देखने को मिलते नहीं है, लेकिन उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात उनसे, खास तौर पर इसको इस हवाले से भी देखा जा रहा है कि चाइना की जो स्टेटमेंट्स और इस तरह की चीजें आती रहती है, जो उसका स्टैंड है, उसकी सिग्निफिकेंस भी इसमें मौजूद है। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिये, सबसे मैं पहले तो हमारे देखने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि ये रिसेंट भूटान के साथ इशू क्या है। दोकलम एरिया, जहाँ पे आपको याद होगा कि पहले स्टैंड ऑफ हुआ भारत का और चाइना का, और वहां पे उस एरिया को कहा जाता था चिकन नेक, क्योंकि वहां इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे चाइना इंटरेस्ट ले रहा था कि वहां पे अपनी कोई ऐसी चीजें मिलिटरीली इंटेलिजेंस वाइज अपनी प्रेजेंस चाहता था, जहां से दे वांटेड टू कीप द मूवमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स। तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक स्टैंड ऑफ हुआ था दोकलाम के अंदर, उन्होंने भूटान को, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर भी चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है, और भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन, आज से हफ्ता 10 दिन पहले, उन चाइना की फेवर में एक स्टेटमेंट डाल दी थी, जिसको बहुत बहुत तशवीश के साथ भारत ने उसको देखा, इंडिया ने उसको थ्रेट ऑलमोस्ट ली। तो उन्होंने जब उसको प्रोटेस्ट किया वो सारी चीजें, यहां पे ये बताना बहुत जरूरी होगा कि भूटान के जो सदर आज, और उन्होंने आके वो जो एक सिचुएशन थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, और उन्होंने कहा है कि नथिंग हैज चेंज्ड इन बिटवीन इंडिया एंड भूटान और चाइना। लेकिन इसमें मैं ये साथ ये बताना चाहूंगा आपको, लास्ट जो नई चीजें जो भारत के हवाले से आ रही हैं, जिसपे आप अपॉर्चुनिटी मुसलसल मिस कर रहे हैं, बिकॉज आप मिस इसलिए कर रहे हैं, अगर आप पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी को पाकिस्तान में आए से नहीं है, 76 साल से ही आपके अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन आजकल आप यू आर लीडरलेस और यू आर हेडलेस, you are futureless, many things is going on in Pakistan. Lekin jo recent Bharat ke hawale se hua hai, G20 leadership, MCO leadership, aur uske baad us waqt aaj kal jo nayi khabar aa rahi hai ki NATO has offered them the membership of NATO, aur uske baad jo unka musalsal moving towards the having a permanent seat at the Security Council, ye bhi unka hissa hai. The way they are utilizing an opportunity, especially America, China revolt, China America confrontation है, इसका फायदा उठाने की भरपूर भारत कोशिश कर रहा है, और देयर लुक्स लाइक देयर सक्सेसफुल इन इट। मैं समझता हूं कि भूटान कब देखें फौरन आके, चाहे उनका प्री प्लान था लेकिन न्यूट्रलाइज किया उन्होंने फौरन उसको, उसके असर को जाहिल करने की कोशिश की। अग्रेसिव क्यों नहीं होंगे, पैसा है हमारे पास, हम दुनिया से भीख नहीं मांगते, हम पाकिस्तान थोड़ना है कि सबके सामने कालीन बन जाए, जमीन पर लेट जाए। भारत भारत है यार, हमने किसी से उधार ले रखा है, हमने किसी की भैंस खोल रखी है। यू नो व्हाट ही इज सेइंग इज नॉट हिज, नॉट हिज वर्ड्स, ये डॉक्टर जयशंकर के वर्ड्स नहीं है। दीज आर दी एस्पिरेशंस ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, दिस इज हाउ वी थिंक। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस की लीडरशिप से, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं कोई आई डोंट क्लेम टू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स एट ऑल, मुझे नहीं समझ है पॉलिटिक्स की, ना मैंने कभी पॉलिटिक्स कवर करी है, ना मैंने पॉलिटिक्स के ऊपर मुझे नहीं समझ है पॉलिटिक्स की, लेकिन मुझे एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते भारत की समझ है थोड़ी बहुत, और वो समझ मेरी ये कहती है कि डॉक्टर जयशंकर जो बोल रहे हैं ये डॉक्टर जयशंकर के शब्द नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के शब्द हैं, ये हमारे शब्द हैं जो डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि जो भारत को बोले कि हम तुम्हें देख रहे हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम हमें ऑब्जर्व करो यार, ये पाकिस्तान समझ रखा है क्या, पाकिस्तान समझ रखा है तुमने कि हम तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं,
उस दिन से बचो जिस दिन हम बोलेंगे कि बेटा हम तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस दिन भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी। तो ये ऑब्जर्व करना बंद करो भारत को, ये भारत बदल चुका है। पहले भारत में ओपिनियन होता था सर, एक राय होती थी भारत की। ये जो अभी है ना सर, ये तेवर है। दिस इज द न्यू इंडिया, डील विथ इट, वी आर लाइक दैट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। यूएस धमकाए कि रशिया से क्यों तेल ले रहे हो, हम लेंगे सर, हम 10 बार लेंगे, अपनी शर्तों पे लेंगे। वी विल नॉट टेक, इंडिया इज डन टेकिंग डिक्टेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और किसी को ना पसंद आए ना पसंद आए, हमसे डील नहीं करना, मत करो यार, मत करो। अगर करोगे तो इक्वल टर्म्स एंड कंडीशंस में करोगे तुम। हम ये नहीं कह रहे कि हम एक तरफा डील होगी, नहीं, हम ये नहीं कह रहे। वी डोंट वांट टू बी अनफेयर टू एनी कंट्री, बट यू विल डील ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टू बोथ। इट कांट बी वन वे। इनको बहुत आदत है अमेरिका को, यूके को, और यूके के, मुझे पता नहीं यूके का इतना बुलबुला कहां से आता है इतना यार, इनको इतनी खाज क्यों है यूके को, है भाई? ओ भाई, द एम्पायर इज गॉन, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द क्वीन, दैट इज गॉन, यू आर नो लॉन्गर द वर्ल्ड सुपर पावर। थोड़ा सा अपनी हद में बात करो यार, मुझे समझ में नहीं आती। ये खालिस्तानी जाके तुम्हें चढ़ा देते हैं वहां पे, गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द किंग और क्वीन और पता नहीं क्या क्या गाना गाते हैं खालिस्तानी वहां पे, और तुम सब लोग मचल जाते हो, बोलते हो कि सही बोल रहे हैं। दीज खालिस्तानीज आर नॉट इंडियंस, दे हैव नथिंग टू डू विद पंजाब। खालिस्तानीज हैव नथिंग टू डू विद सिखिज्म, खालिस्तानीज आर फ्रॉड। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज याद दिलाऊं, एक तो ये कि इसमें ये खबर ये है कि पीएम मोदी होल्ड स्टॉक्स विद भूटान किंग, और उसमें काफी कुछ बातें जो है वो आ रही हैं, की गई हैं। अच्छा, उसमें मतलब बड़ा करीबी कहा जा रहा है कि ये टॉक्स हुई हैं और बड़े दोनों कंट्रीज के अच्छे रिलेशंस नजर आ रहे हैं। लेकिन इस आपको याद होगा, हाँ, आपने पिछला प्रोग्राम जो मेरे साथ किया था उसमें हमने करेंसी पे बात की थी, तो अब उसके बाद एक और खबर जो आई वो ये थी कि इंडियन और मलेशियन रुपी जो है उसके अंदर ट्रेड उन्होंने किए इंडिया। देखिए, इसमें मैं बताना ये चाहूंगा कि 18 countries on the planet, they have shown their interest to deal with India in their own currency. De-dollarization. एक नया वर्ड उसी के कंपेटेबल उसके सामने आ रहा है, जिसको हम पहले फ्यूचर में कहते थे पेट्रो डॉलर, अब उसको कहा जा रहा है पेट्रो युआन। और दूसरा, ब्राजील के बढ़ते हुए रिलेशनशिप विद चाइना, जो कि अमेरिका के बैकयार्ड के अंदर मौजूद है। तो इसमें इस वक्त जो दो जो मेजर एलाइज बन के सामने उभर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका शो कर रहा है अपना इंटरेस्ट इन साउथ चाइना सी और साउथ के पास, वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज यूएस एंड चाइना, नो, यूएस एंड इंडिया, और उसके बाद चाइना एंड रशिया। अगली, बल्कि कल खबर एक और आई थी न्यूयॉर्क पोस्ट में कि अगली वार अमेरिका शुरू करेगा गुआम से। गुआम क्योंकि चाइना के नेबरहुड में है, पैसिफिक में है, और अमेरिका इज ट्राइंग टू काउंटर समथिंग। हालांकि है अमेरिका भी इस वक्त लीडरलेस और हेडलेस, लेकिन अल्टीमेटली पेंटागन इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, तनख्वाहें ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा पेरोल है उनका।